अभी ईरान में क्योंकि बढ़ गए हैं दूध पे रेट, तकरीबन हर चीज के रेट बढ़ गए हैं, जितने भी प्रोडक्ट थे सबके रेट बढ़े हैं। एक आइटम भी ऐसा नहीं है जिसके रेट ना बढ़े। अब पहले ये स्पेगेटी हमें तकरीबन 80 रुपए का पड़ता था, अब 100 रुपए का पड़ता है, हम बेचेंगे। तो अभी आप लोगों के पास पुराना सामान है या पुराना है? पुराना ही है, मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ था ना, ये है तभी इसको 100 रुपए का ही बेचना होगा। अच्छा, हम लोग काम कर रहे हैं ना तेल के ऊपर, ईरानी तेल मार्केट से गायब है, तो उस पर काफी सारे लोग कह रहे थे कि ये जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है ना उसको ब्लैक कर दिया, मतलब हटा दिया। गवर्नमेंट का मसला नहीं है, रूस ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया ना, उसके बाद इसका सारा बीज आता था यूक्रेन से ईरान में, फिर तभी यहाँ पे आता था, सस्ता पड़ता था वो, अब ईरान में इतना महंगा हो गया। हाँ। सारा प्रॉब्लम ये है, बाकी कोई मसला नहीं। तो आपको यहाँ पर ये जो बुद्ध बाजार है, आपको पता है यहाँ पे क्या रेट चल रहा है तेल का, पाकिस्तानी ऑयल का? पाकिस्तानी ऑयल तो मुख्तलिफ है, अभी मेरे सामने लगा हुआ पाक वाला इसका है 2400 रुपये कार्टन, 2400 रुपये कार्टन है, 5 किलो का, 5 लीटर पूरा नहीं होता, 4.5 लीटर। अच्छा, तो कैसा है तेल? तेल भी सही है, बस नॉर्मल से। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ईरानी तेल बंद हो गया, उसके बाद आपकी जो तेल है ये वाला जो आप जो बेच रहे हैं ये पाक कुकिंग ऑयल, इसकी फरोख में कितना इजाफा हुआ है? देखिए, वो तो पेट्रोल की वजह से इंक्रीज हुआ है, वैसे ईरानी की वजह से कोई इंक्रीज नहीं हुआ। क्वालिटी वाइज ये कैसे है? क्वालिटी वाइज सच है, 8-9 साल हो जाए जाते हैं। अच्छा, ये क्या कितने रुपए कार्टन दे रहे हैं आप? 2350 का कार्टन है, 2350। मार्केट में 2600 का रेट है, मार्केट में 2600 का रेट है। बुध बाजार में कम है, बचत बाजार की वजह से, बचत बाजार की वजह से रेट में कम है। तो यहाँ पर आपको ये कुकिंग ऑयल दे रहे हैं 2350 में आपको दे देंगे, अगर आप बुध बाजार में बचत बाजार में आके लेना चाह रहे हैं तो। यहाँ पर इसकी प्राइस कम है। बनस्पति कैसे दे रहे हैं? 2700। ये क्यों ज्यादा? 5 केजी का ये बनस्पति है ना, बनस्पति प्राइस ज्यादा महंगा आता है ना, इसकी प्राइस ज्यादा है। चलेंगे, अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल आपको मिला है क्वालिटी वाइज अच्छा है, ये क्वालिटी वाइज अच्छा है, ठीक है। कम से कम यूटिलिटी स्टोर से तो लाख दर्जे अच्छी है इसकी क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भाई साहब के पास जो है ना, ये 2250 का गोल्डन सन है, और हबीब दे रहे हैं 2400 का दे रहे हैं, ठीक है। और दालें वगैरह चावल वगैरह के भी रेट जो है वो आपको मार्केट मेट्रो इम्तियाज वगैरह से बहुत ज़्यादा कम मिल जाएगा। अच्छा, आप लोग संडे को भी लगाते हैं यहाँ पर? जी, संडे और संडे और बुध दोनों को लगता है, ठीक है, वाला स्टॉल। तो जो भी आना चाह रहे हैं बुध बाज़ार में आ जाएँ, बिल्कुल सामने ही एंट्री के साथ ही इनकी दुकान लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, होप कि आप सब ठीक होंगे। बचत बाजार में आपको मैंने ऑयल के रेट बताए, आपको पता है मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, तो मुझे काफ़ी सारी बहनें कह रही थी यार ऑयल के रेट बता दे, जो पाकिस्तानी ऑयल है उनके रेट। तो आज हम आए हैं मेट्रो देखने के लिए कि मेट्रो में कुकिंग ऑयल के क्या रेट चल रहे हैं, तो सारे रेट्स आपको बता रहे हैं, सब कुछ मैंशन किया हुआ, आप साथ साथ देखते जाओ और मुआवजा करो बचत बाजार और यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर है सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल, 5 लीटर दे रहे हैं, 2274 रुपीज़ का दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको दे रहे हैं बॉटल में, और सोया सुप्रीम के रेट बता दिए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस वक्त आ गए हैं हम जी गोल्डन नहीं कौसर, कौसर है जी 2644 रुपीज़ का दे रहे हैं ये। अच्छा, ईवा कुकिंग ऑयल है 10 दे रहे हैं 16 लीटर का, 8310 रुपीज़ का दे रहे हैं, ठीक है, ये इसके प्राइस आपको मैंने बता दिए। यहाँ पर है प्लांटा ऑयल है 3 लीटर, 1574 रुपीज़ का दे रहे हैं। अच्छा, न्यूट्रीला कोई ऑयल है ये दे रहे हैं जी 5 लीटर, 2415 रुपीज़ का, ठीक है। डालडा जी दे रहे हैं यहाँ पर 3 लीटर, 2294 रुपीज़ का दे रहे हैं। और इसका बता देते हैं सूफी 16 लीटर दे रहे हैं ये 8760 रुपीज़ का, ठीक है, 760 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं। बिल्कुल सारे ब्रांड के आपको प्राइस बताएंगे, बेहतरीन वीडियो है, एक ही वीडियो में आपको सारे प्राइजेस पता चल जाएंगे। अच्छा, अब आ रहे हैं गोल्डन सन 2746 रुपीज़ का दे रहे हैं ये लोग यहाँ पर, सूफी 10 लीटर दे रहे हैं 5504 रुपीज़ का दे रहे हैं 10 लीटर। और अब आ जाते हैं डालडा कलौंजी है, ये नीचे कौसर 16 लीटर के रेट है 8376 रुपीज़ का, इसका कलौंजी दे रहे हैं कनोला में दे रहे हैं ये 2625 का, 5 लीटर का टिन दे रहे हैं आपको। अच्छा, अब आ जाते हैं मीज़ान दे रहे हैं 3 लीटर, 1875 रुपीज़ का मीज़ान, 1 लीटर पाउच आपको मिल बोतल में मिल रही है 560 रुपीज़ की। ओलिव दे रहे हैं 1906 रुपीज़ का। कहते हैं अब जो दूसरी प्राइस आपको हम दिखा रहे हैं यार, ये है जी ओलिव ऑयल है या कौन सा दिखा रहे हैं भाई, दिखा दो
ठीक है, ये है जी कनोला है 5 लीटर का, 2,593 रुपीज़ का दे रहे हैं, ठीक है इतने का पड़ेगा। रिफाइन कॉर्न ऑयल है 5 लीटर, 5,980 रुपीज़ का दे रहे हैं। जो लोग कॉर्न ऑयल यूज़ करना चाहते हैं थोड़ा सा महंगा है। अब आ जाते हैं पाउच की तरफ, दिल 5 लीटर दे रहे हैं, 2,455 के पाउच है 5 लीटर का। मीज़ान कनोला ऑयल है 5 लीटर का, 2,673 रुपीज़ का। गोल्डन सन है 2,560 रुपीज़ का। ये सब पाउच के रेट बता दिए आपको। यहाँ पर अब बॉटल्स में भी आपको प्राइस मेंशन है। कॉनल्फ ऑयल है ये, अच्छा डालडा दे रहे हैं 1,865 रुपये का दे रहे हैं जी। ये 3 लीटर की बॉटल में है और ये सब आपको मैंने आज सारी दे दी। तल्लो ब्रांड जी है जी, 2,554 रुपीज़ के पाउच में है 5 लीटर की। कौसर दे रहे हैं 5 लीटर, 2,595 रुपीज़ के पाउच में। 2,560 रुपीज़ के गोल्डन सन मिल रहा है वनस्पति आपको पाउच में। तो ये आज मैंने आपको डिटेल वीडियो दे दी है मेट्रो की तमाम प्राइस के साथ, एक एक कुकिंग ऑयल की फर्दन प्राइस आपको दे दी है। जो लोग कह रहे थे कि हमें प्राइस के साथ बता दे वीडियो, तो आज मैंने वो भी दे दी। ईरानी ऑयल का भी सारा मैंने आपको बता दिया क्यों गायब है मार्केट से, और बचत बाजार में क्या रेट है बुध बाजार संडे में वो भी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।